PSL में वी आर सपोर्टिंग क्वेटा ग्लैडिएटर्स, आपको पता है टॉप पे जा रही टीम, और मैं तो PSL 1 से क्वेटा ग्लैडिएटर्स को वैसे भी सपोर्ट कर रहा हूँ, तो होप सो के सर विविन रिचर्ड्स के मेंटरशिप के अंदर इस दफ़ा क्वेटा ग्लैडिएटर्स फाइनल ना हारे, क्योंकि हमेशा फाइनल तक पहुँच के जाके हार जाते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है। बाकी काफ़ी एक्साइटेड है, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए स्पोर्ट्स, इस बार हाइकिंग के बाद वैसे भी स्पोर्ट्स गाला भी मारा आ रहा है, तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या बनता है। PSL में मेरी भी फेवरेट टीम वैसे तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स है, और इसकी मेन वजह यही है कि अहमद शहजाद को मैं सपोर्ट करूँ, जो कि इस बार बहुत अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन अच्छी तरह परफॉर्म किया था उन्होंने पिछले PSL में। ऑनर ऑफ लाहौर कलंदर, और PSL की खूबसूरती वही है बस। लाहौर कलंदर के लिए राणा साहब कहे कि बस राणा साहब वी लव यू, वी लव यू फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट्स। ठीक है, बस ये कि स्पोर्ट तो हम लोग क्वेटा ग्लैडिएटर्स करेंगे, लाहौर कलंदर के लिए कम अज़ कम ये कि इस बार कम अज़ कम लाहौर कलंदर होप्स हो कि लाहौर कलंदर इस दफ़ा फाइनल जरूर खेले। PSL को बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड की सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगी। मेरी हर साल ही कोई नई टीम होती है, पूरा पाकिस्तान घूमने का प्लान है मेरा अफरीदी की वजह से बेसिकली। अभी मुल्तान सुल्तान को फॉलो कर रही हूँ, अच्छी नहीं जा रही, बट सेकेंड टीम मेरी लाहौर है जस्ट ड्यू टू राणा साहब, ही सच अ स्वीट गाय, और उनकी जो एक्टिंग होती है मतलब जो उनका एक्सप्रेशन होते हैं ड्यूरिंग द प्ले बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़ा आता है। मैं इस्लामाबाद को ही सपोर्ट करूँ क्योंकि शुरू दिन से मैं इस्लामाबाद के साथ ही हूँ, तो सबसे अगर याद हो सबको तो पहला PSL भी इस्लामाबाद ने मतलब जीता था, तो इस बार भी इस्लामाबाद के साथ है, इंशाल्लाह वही जीतेगी। PSL स्टार्ट है तो हर बंदे की अपनी एक टीम है, वैसे तो मतलब ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि PSL पूरे पाकिस्तान का है, लेकिन फिर भी गेम का स्पिरिट और वो सारा उजागर करने के लिए तो मैं जिसको सपोर्ट कर रहा हूँ वो है लाहौर कलंदर्स। पिछले 4-3 सीजन में वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उसने नहीं दी, लेकिन इस साल उनसे बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वे भी डिविलियर आए और वो जैसे अपनी फॉर्म में है। वैसे बैड लक इस दफ़ा भी लाहौर के साथ हुआ है क्योंकि कुछ जो प्लेयर्स हैं जैसे टेलर हो गया, हफीज़ हो गया, वो इंजर्ड हैं, वो मैच से बाहर हैं, लेकिन फिर भी AB is on fire। मेरी राय में ये है कि मतलब राणा फवाद का नाम मतलब कोई हेटर नहीं है, PSL की जान है वो। राणा साहब क्रिकेट के ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए, तो इसलिए उस बंदे को सल्यूट है।